नमस्कार मु सोनम आपनको स्वागत करछि आपनको निजे चैनल सोनमरिया टिप्स को बहु जणा एमति पचारि जंति कि तांको प्रेगनेंसी समय रे से माने केसर वाला खीरो को मासरु पीबा स्टार्ट करिवे एवं से केसर वाला खीरो से माने केमति तयारी करिवे सेथिरे केतरा केसर पकेबे एवं तांकर प्रेगनेंसी समय रे से माने जदि केसर वाला खीरो पीबे ताले सेटा तांको पई कोन सब लाभ देथाय एवं तांको शिशु पई कोन सब लाभ होइथाय तो सेथिलागी मु ए वीडियो रे आपन को देखै छी कि आपन केसर वाला खीरो केमति तयारी करिवे ता सहित मु आपन के वीडियो रे कहिबी आपन ए केसर वाला खीरो को मासरु पीबा स्टार्ट करिवे सेथिरे आपन केतेटा स्टिक पकेबे मान जते बेला आपन केसर खीरो तयारी करथुबे आपन सेथिरे केते क्वांटिटी रो केसर पकेबा दरकार जोटा आपन को पई पूरा सेफ होबो एवं ता सहित आपन जदि एटा पीबे रेगुलर ताहेले सेटा आपन को पई कोन लाभ होबो आपन को शिशु पई कोन लाभ होबो तो सब कथा मु ए वीडियो रे कहि छी तो आपन ए वीडियो को लास्ट पर्यंत निश्चित भाबे देखंतु तो चलंतु डेरी न करके आज वीडियो को स्टार्ट करबा और देखिबा आमे केसर खीरो को केमती तयारी करबा। प्रथमे मु गैस को ऑन करिकि सेथरे उठी पैन बसै छी आपण जे कोन से जगह बसै परिबे जोथरे आपण खीरो को बॉईल करि परिबे सेथरे मु गोटे ग्लास खीरो पकउ छी आपण सबले ध्यान देबे प्रेगनेंसी समय रे आपण सबले गाई खीरो पिबा पई प्रेफर करिबे। पैन ने खीरो को ढाली सेला परे ए खीरो को आमे गरम करिबा जेते बेले एटा टिके गरम हे जिवो ता परे मु एथरे पकेइबी केसर। मो मार्केट एवरेस्ट रो ए केसर आनी थिली ए केसर मो पाखरु आगुरु अछि तो एहर प्राइस सेते बेले 150 पडुथला एबे होय तो टिके एपर्स बढै थई परे प्राइस रे एटा केते परसेंट ओरिजिनल से कथा तो कहि होबनी काहे किना केसर रो प्राइस बहुत अधिक थाय सेति लागि एथिरे सब डुप्लिकेट मध्य मिसि के आसे। जदि आपण ओरिजिनल केसर कोड पाउचंती ताहेले आपण सेइटा खाइबे आपण को पई सेइटा बहुत भलो होबो। ए पैकेट को खोलला परे ता भितरे एमदि गोटे प्लास्टिक रो बॉक्स अछि जा भितरे से माने केसर दउचंती गोटे चामच पाखापाखि ही ए बॉक्स भितर केसर स्टिक सब अच्छी जिते बड़े खीरटा आपणकर गरम हो आपड़ तीन रु चारा केसर स्टिक पकेबे किंतु मु ये छटी स्टिक नहीं कहीं केसर जो स्टिक गुड़ा बहुत छोट अच्छे से मु छटी नहीं किंतु आप चारोटी रु अधिक केसर बिल्कुल भी नेबे नी केसर को खीर में पकई सारिक आम से भल भाव गोलईदा और से भी पकेबी हाफ चामच चीनी आपड़ जदि चीनी पीवा चाहूना तेल आपमती यानी कितु आपड़ी चीनी पकवाक चाहते तेल आप चीनी पकई पारे चीनी की पकई सारिकी आम ये खीर को भल भाव टे गोलईदा और खीर को पूरा सी मंच में सेमती बसईकि छाड़ीदे जमी केसरटा ता भितर भल भाव में मिक्स हो तार कलर टिके टिके चेंज हो आसो। प्रेगनेंसी समय केसर बहुत लाभदायक होता है। प्रेग्नेंट महिला जदि प्रत्येक दिन राति रे सोइबा पूर्वरु केसर वाला खीर पीबे ताहले सेमानकर नॉर्मल डिलीवरी होबार चांसेस बहुत अधिक बढ़ी जाय थाई। जदि आपण प्रेग्नेंट अछंती आ आपण जदि प्रत्येक दिन केसर वाला खीर पिउचंती राति रे सोइबा पूर्वरु ताहले आपणकर हजम शक्ति बहुत मात्रा रे बढ़ी जाय थाई एवं आपण पाखरे एसिडिटी हेला किंबा कंस्टिपेशन हेला एमती सब प्रॉब्लम एतटा हेई नथाय। से पर्यंत खीर को आम फुटेबा जेपर्यंत केसर रंग खीर रे मिसी नथिबो बा खीरटा आमर हल्का हलदिया कलर न होइथिबो यही क्षीरटी यामुक मैक्सिमम 5-7 मिनिट टाइम लगी थाई। आपण समस्ते जानते प्रेगनेंसी समय जदि जे गर्भवती महिला रेगुलर जदि केसर बाला खीर पिउथे ताल गर्भर बढ़ुवा शिशुर कलर बहुत सफा होता ता सहित तो प्रेगनेंसी समय जो महिला मानक बीपी प्रोब्लेम देखा दे था मानने ब्लड प्रेसर रो प्रोब्लेम देखा दे था से प्रोब्लेम बहुत मात्रा कमी जाए सेमती प्रोब्लेम पाखे बिल्कुल भी देखा दिए जोटा कि प्रेगनेंसी समय बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस जदि आप प्रेग्नेंट अच्छा आपंकर निद भलसे हो प्रत्येक दिन केसर बाला खीर पीवा स्टार्ट करूँ देखिए आपंकर निद हो नाल आपंकर निद बहुत भलसे हे तो आप भावुवे कि केसर बाला खीर आप प्रेगनेंसी टाइम कौ समय पीबे तेल आपड़ निश्चित भाव में ध्यान दिंतु आपड़ केसर बाला खीर राति शोवा पूर्वर हिं पीबे आपत दिन में सका टाइम हो कि आप लंच टाइम हो आपड़े बिल्कुल भी पीबे कहीं से टाइम केसर बाला खीर पीले सेटा कम कैन तो आपत सब राति शोवा पूर्वर हिं पीबे एवं आपणकर जिते बड़े प्रेगनेंसी फोर्थ मंथ स्टार्ट हम आप समय केसर बाला खीर पीपारे किंतु जदि आपंकर प्रेगनेंसी किसी कम्प्लिकेसन थी कि आपंकर आगु किसी मिसकारेज किमती किसी यदि प्रोब्लेम थी तेल आपड़ पांच मस रु ही स्टार्ट करेंगे पूर्व आप केसर बाला खीर बिल्कुल भी पीबे तो देखो आम खीर एवं हाल्का हलदिया हो गला तो ये आम गैस को बंद करदे आम खीर को हाल्का थंडा कर नवा देखु क्षीरटा आमर एवं नखउसुम अच्छी यहीटा को आम कौन करवा गोटे ग्लास को ढाईदे ए देखु मुझ गोटे ग्लास क्षीर नहीं थी फुटिकी एति कमी जाइए जदि आप गोटे ग्लास केसर बाला क्षीर पीवा चाहूँगी तेल आपते फुटेबे क्षीर को सेते आपड़ गोटे ग्लास रु टे अधिक क्षीर ने क्षीरटा फुटिकी आप गोटे ग्लास केसर बाला क्षीर रो आउ गोटे बहुत जरूरी कथा आपन ध्यान देबे जदि आपण प्रेगनेंसी रो 4 मास किंबा 5 मास आपण जदि खरा दिन रे पडुची ताहेली आपण खीर रे केसर रो 2 रु 3 टी स्टिक ही पकेबे
ତାଠୁ ଅଧିକ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ପକାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସିର 4-5 ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ ଦିନରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଥଣ୍ଡା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ 4-5 ଷ୍ଟିକ୍ ସେଥିରେ ଆପଣ ପକାଇକି ପିଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା କେଶରଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ପିଇବେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ କେଶର ପିଇବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ୍ କରାଇଦେବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କେଶର କ୍ଷୀରରେ ପକାଇକି ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ପିଇବେନି, ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ପିଇବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେଟା କହିଲି ଆପଣ ସେତିକି ହିଁ ପିଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେଶର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଜାଣିପାରିଥିବେ କେଶର କ୍ଷୀର ଆପଣ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।